हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मेरी किचन। आज हम बनाएंगे साबुत मूंग की सब्जी या फिर साबुत मूंग की करी। तो आइए देखते हैं हम क्या कहते हैं बनाने के लिए। मैंने लिया यहाँ पे साबुत मूंग, ये मैंने रात भर पानी में भिगो कर रखा था, एक टमाटर कटा हुआ, दो प्याज बारीक कटा हुआ। मसालों में हमें चाहिए स्वाद अनुसार लाल मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। मैंने पंचफोरन लिया है, आप क्या यहाँ पे जीरा का यूज कर सकते हैं, एक तेज पत्ता, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और बनाने के सरसों का तेल। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं हम। तो मैंने लिया है यहाँ पे कुकर, इसको मैंने गर्म कर लिया था और डाल दिया है यहाँ पे दो चम्मच तेल। तेल को भी हम गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है, हम डाल देंगे इसमें तेज पत्ता, साथ में पंचफोरन भी, और इसे हम क्रैकर होने देते हैं। तो मेथी भी क्रैकर कर चुकी है, अब डाल देंगे इसमें हम कटा हुआ प्याज और इसे हम हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। प्याज भी हमारा ब्राउन हो चुका है, डाल देंगे इसमें हम और इसे हम 4 से 5 मिनट फ्राई कर लेंगे। अब डाल देंगे साथ में हम ये टमाटर, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, इसे हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब डाल देंगे इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे करीब हम 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे ताकि हमारा मसाला वो अच्छे से फ्राई हो जाए। तो मैंने यहाँ पे इसे फ्राई कर लिया है। अब डाल देंगे करीब इसमें हम 1 कप पानी या आवश्यकता अनुसार पानी और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे हाई फ्लेम पे 1 सीटी लगने देंगे। उसके बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम करके इस पर 3 से 4 सीटी लगने देंगे। तो इसमें सीटी लग चुका है और मैंने यहाँ पे इसे गैस से नीचे डाल लिया है। तो देखने में हमारी जो सब्जी वो पक चुकी है। मैं दबा के देखते हैं, ये दब रहा है तो ये हमारा जो मूंग है वो अच्छे से पक चुका है। साथ में डाल देंगे इसमें हम गरम मसाला और इसे हम मिक्स कर देते हैं और ये बंद करके हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। साबुत मूंग की सब्जी को हम रोटी के साथ, चावल के साथ आसानी से खा सकते हैं। तो आप भी इसे जरूर बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।